खुदावन ने मेरी उम्र को तराश किया और कलीसिया की भी उम्र को तराश किया। हम सबको खुदावन ने बरकतों से माला माल किया है और ये साल जो 20,019 है उसके लिए भी प्यारे खुदावन से शुक्र गुजार हूँ कि खुदावन ने हम सबको ये नया साल दिखाया है और खुदावन से यही इल्तिजा है कि हम सबको बरकत दे और खास तौर से रूहानी बरकतों से माला माल करें। हमें एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं तालियों के साथ। मसीह में आप सबको सलाम और नया साल मुबारक हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अभी तक 2019 में इस चर्च का मेंबर हूँ। इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबके लिए और आने वाले लोगों के लिए, ये कि जब तक हम एक जगह पे ठहरे रहते हैं तो फिर बरकत तभी मिलती है। आमीन। हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं इस नए साल के लिए कि उसने 2018 के लास्ट मंथ में हमें इस मुल्क का सिटीजनशिप बनाया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और नया साल मुबारक हो। और मैं आपके सामने अपनी 2018 की जो बरकत है वो शेयर करना चाहूँगा कि खुदावंद ने 2018 में हमें बेटे जैसी नेमत से नवाजा। खुदावन ने हमें ऑलरेडी दो बेटियां दी थी लेकिन एक हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी, दुआ भी कर रहे थे कि खुदावन हमें बेटे जैसी नेमत से नवाजे और खुदावन ने हमें बख्शा भी। और आज मेरी ये दुआ है 2019 के अंदर जो लोग बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, खुदा उनको भी इस 2019 के अंदर जो है वो अता करे। खुदा का शुक्र करता हूँ 2018 के लिए कि उसने मुझे बहुत अच्छी खुदा परस्त बीवी दी और एक बहुत प्यारी बेटी दी, मुझे डैडी बनाया और 2019 दिखाया। और इसमें भी खुदा से मांगता हूँ कि हम पूरी कलीसिया को बरकत दे और अपने जलाल से मामूल करें। थैंक यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आप सबको नया साल मुबारक हो। 2018 में खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे हजारह नेमतें दी और सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और एंड ऑफ ईयर मुझे गाड़ी भी दी है। मसीह में सबको सलाम और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग दुआ कर रहे थे इस साल के शुरू में 2018 के खुदावन हमें एक अच्छी कलीसिया दे और खुदा ने हमें मुमकिन किया कि एक अच्छा पास्टर दिया, एक अच्छी कलीसिया दी। हम खुदावन के दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। फिर हमने प्लान किया, हम खुदा के आगे दुआ कर रहे थे कि खुदा हमें घर जैसी नेमत देना और इसी साल में खुदा ने हमें घर दिया, गाड़ी दी। इन सब बातों के लिए हम पास्टर का, खुदावन का और पूरी कलीसिया का शुक्र अदा करते हैं। आमीन। के बाद हम आ जाए और अभी कारिश भाई ने कहा कि उनको खुदा ने बेटा दिया तो मेरा एक पहले बेटा था, खुदा ने मुझे बेटी दी। Praise God for everything, every miracle in my life. मैं देना चाहूँगी कि पिछले तीन हफ्ते पहले मेरे भाई बहुत सीरियस हो गए थे जो मुझसे बड़े हैं। ही वॉज क्वाइट क्रिटिकल के हॉस्पिटल अगर थोड़ी देर वो ना पहुँचते तो बहुत उनका नुकसान हो जाता, उनका किडनीज का मसला हो गया था और सारे बॉडी के फंक्शन बिल्कुल डिक्लाइन हो रहे थे। फिर पास्टर को भी रिक्वेस्ट भेजी थी प्रेयर के लिए, खुदावंद का शुक्र है अब वो बहुत बेहतर हैं और अब होपफुली दो दिन बाद वो अपनी जॉब शुरू करेंगे। खुदा उनका शुक्र। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भाई एक्चुअली इस तरह की पिछले साल खुदा ने बहुत सारी हमें बरकतें दी और उनमें से एक है मेरे हस्बैंड को और मुझे और मेरे बेटे को, तीनों को बहुत अच्छी कंपनी में खुदा ने ब्लेस किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं लेकिन एक और ये है कि मुझे किडनी की सर्जरी भी थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और मैं बिल्कुल रहना ना थी यहाँ पर। थैंक यू सो मच पास्टर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्रेज टू द लॉर्ड एंड वी आर थैंकफुल फॉर द गॉड दैट ही हैज गिवन अस दिस न्यू ईयर अगेन। मेरे बहन भाइयों, खुदा ने आप सबको नया साल मुबारक हो और बड़ी खुशी के साथ मैं अपनी फैमिली के साथ, आप सब की दुआओं के साथ, खुदा उनके शुक्रगुजारों के फैमिली के साथ इधर हूँ।
खास बात जो शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड 5 महीने से पाकिस्तान गए हुए हैं और उनका प्रॉब्लम जो है वो उसका था, लेकिन खुदावंद ने वो सारा काम इतनी स्मूथली किया कि किसी ने कुछ भी नहीं बोला कि आप 11 महीने से कहाँ थे, और बस लास्ट लेटर रह गया है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप सबकी दुआओं के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने खुदावंद की शुक्र गुजार हूँ। मेरे बहन भाइयों, मैं सिर्फ ये कहती हूँ अपने खुदावंद से वफ़ादार रहिए, हमारा खुदावंद वफ़ादार है, वो आपकी हर मुश्किल का हल सिर्फ उसी के पास है। एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू। हमारा खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है जो सब कुछ करता है। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम जियागिल है और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मेरे बेटे को लास्ट ईयर फ्रंटो पीस में काम दिया, अभी वो एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं फ्रंटो पीस में। शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। मेरी गवाही ऐसे कि इन 2018 I was blessed with a degree and God blessed me to get a job in my field as well. Thanks. बहुत साहब बीमार हो गए दोनों, इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता। बच्चों ने पीछे पाकिस्तान से दुआ की, मैंने कल बहुत सीरियस है 104-106 बुखार, दोनों खो के माफ बेटी को बहुत दुआएं की। इसके बाद बच्चों ने पूछा डैडी, मेरी बहू ने भी पूछा, बड़ी खुशी से गए हुए थे शादी के, तो बहू ने पूछा डैडी आप इस वक्त कितनी उम्र के हो गए हैं। मैंने कहा बेटा आपके डैडी से मैं हो सकता है बड़ा हूँ छोटा हूँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं रात को 12 बजे उठा, वाइफ को बोला कि मैं दुआ करता हूँ। दुआ को नाम कि तुमने मुझे एक और साल दिया मसीह बहन भाइयों के साथ, और सिर्फ मेरी उम्र 80 है और मैं 80 साल के इस 2019 में 80 साल का हो गया हूँ। आपकी दुआओं से। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावंद अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2018 में खुदावंद ने उस स्कूल में मुझे जॉब दी जिसके लिए ज़फ़र और मैं बड़े अरसे से दुआ कर रहे थे, और इस बड़ी बरकत के लिए मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको नया साल मुबारक हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ने आज तक जिंदा और जिंदगी से मिलकर रखा और हमेशा वो साथ है, और सिखा कर मैं इतना से दस्त बरदार हूँ उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि 2018 में जो है मेरी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा था या स्टडी का, तो खुदा ने ऐसा मुहैया किया कि वही जॉब रही और मैंने अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और फाइल जो है वो प्रोसेस में। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत जल्द मेरी फैमिली जो कनाडा में होगी और प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, ये खुदा की ग्रेस है और ये मेरे के लिए बहुत बड़ा काम है। आप सब जानते हैं कि इमिग्रेशन के सिलसिले में बहुत सारे अजीज बहनें हैं जो हमारे चर्च में हैं, सो बहुत सारे खानदान हैं जो आ चुके हैं जिनकी गवाहियाँ आपने सुनी है, लेकिन बहुत सारे अजीज़ों का भी प्रोसेस चल रहा है, तो आप लगातार इन खानदानों के लिए दुआ करते रहें ताकि खुदावंद 2019 में इन खानदानों को भी मिलाए और कलीसिया बढ़ती चली जाए और हम सब मिलकर खुदावंद के काम को और ज़्यादा खुशसलूबी से कर सकें। जैसे मेरे फादर को पैरालाइज हुआ, खुदावंद ने उनको शिफा दी और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरी इमिग्रेशन की फ़ाइल उसका प्रोसेस शुरू हुआ, फिर वो गुम गई, वो भी खुदावंद का मिरेकल हुआ कि वो मिल गई और अब इमिग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और फैमिली जल्द आएगी। और खुदावंद का शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं स्टडीज़ कर रही थी अपनी बेटी के साथ ही, खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं कॉलेज जाऊँ और वीकेंड्स पे क्लासेस लूँ, और वो भी प्रोसेस सारा बड़ी स्मूथली से गया और उसके लिए भी खुदावंद का नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ इस बख्शिश के लिए कि उसने मुझे संडे स्कूल की टीम के लिए चुना। और थैंक्स गॉड, सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद को मिले, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुदावंद को देते हैं, तो वो आपके बोझ उठा लेता है। पाक कलाम में लिखा है अपनी तमाम फिक्रें खुदावंद पर डाल दे तो वो उसको तेरी फिक्र है वो तुझे संभालेगा, तो वो हमें हर मुश्किल में हर परेशानी में वो हमारे साथ होता है, वो हमारी जंग लड़ता है।
तो थैंक यू सो मच आपके लिए जिन्होंने हर कदम पे मेरे लिए प्रेयर्स की, मेरी फैमिली के लिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. और मैं खुदा उनका बहुत शुक्र करती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी खूबसूरत लविंग कलीसिया मिली. थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू जमायोबा जी. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. हम इन तमाम गवाहियों के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. खुदा की अच्छी से करें.